इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है धामपुर से, जहां धामपुर के गांव बगदाद अंसार में आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। दरअसल ये मामला बगदाद अंसार के गांव का है। यहां के रहने वाले अनवर के जवान बेटे अकरम के साथ आज कुछ लोगों ने एक ऐसा मामला कर दिया जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। देखिए इस रिपोर्ट में खुद अकरम की बहन की जबानी सारी कहानी, सिर्फ रियल इंडिया टीवी पर। मोहम्मद अनवर नाम है मेरा। मोहम्मद अनवर कहाँ के रहने वाले? बगदाद अंसार, जिला बिंदौर। ये जो आज डेड बॉडी मिली, इसके बारे में जानकारी बताइए। जी, ये मेरा बेटा था। जी, ये अब से कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ और जो है हम जेल चले गए, मुकदमा चल गया हम पे, और जो है लड़का को हमने जो है बाहर भेज दिया। बेटा हम जाओ, तुम जाओ, हम तारीख को जाते रहेंगे। उसके बाद लड़का कल आया 8 बजे और जो है अपने छोटे भाई को लेने आया था वो, कि हम दोनों भाई कल बेचेंगे। लड़के ने कह दिया कि भाई तू भाभी को घर छोड़ दे और मैं तेरे साथ चलूँगा। ऐसे बस इतनी बात है। एक दुकान में मैंने बैठा हुआ देखा और मैं जो हूँ अपना बकरी लेके चला गया बकरी चुकाने। किसने किया है? ये जो 3 आदमी हैं, एक शाहरुख और एक वैसी अवेश और एक उसका अनीस, इनका बल्दिया तो मोहम्मद इदरीस। इसी गांव के हैं आप लोग? समझते क्यों नहीं हुए? इसी गांव के हैं। गांव की भाषा तो चल रही है, सब जगह चलेगा, लाइव चलेगा। अब इनका रहे तो ये लड़की बोल। मेरा नाम नूरी है, भाई था वो मेरा। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? पहले एक साल पहले लड़ाई हुई थी, थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, थाना पुलिस हो गया था, मुकदमा चला, हमारा भैया और अब्बा जेल चले गए। जिस रात हमारा अब्बा और भैया जेल गए, उन लोगों ने हमारी गाड़ी में आग लगा दी। अंडों से भरी हुई गाड़ी थी, पूरी गाड़ी अभी भी चली हुई है। मैं जेल काट के आ गए। अब मेरा भाई को लेने आया था, छोटे वाले भाई को, पल करते हैं, एक पल का काम है मेरा भाई का बस। अरे अब यहाँ आई तो इन लोगों ने मार दिया। किन लोगों ने? 3 लोगों ने। यही है, अवेश है, शाहरुख, अनीस। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं सब।